सो चक्की के अंदर आप आटे मसाले पिसवा सकते हैं, कच्ची घनी के अंदर आप सारे तेल निकलवा सकते हैं, और ये जितने भी पड़े हैं ये सारे लाइव निकले हुए हैं। तो ये है यहाँ पे डेरी जिसके अंदर आप देसी घी सामने निकाल सकते हैं, और ये है होममेड। अगर मैं होममेड बात करूँ तो यहाँ पे आपको चटनियाँ लाइव और साथ ही साथ आपको अचार वगैरह हर एक चीज़ लाइव ले जाने का मौका मिल सकता है। और ये देखें, ओह यहाँ पे पिस्ता जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है आपका ऑयल, और यहाँ पे घी लाइव बन रहा है। सो ये देखिए, सो यहाँ पे डाल रखा था पहले मक्खन, मक्खन को गर्म किया है और अब ये बन रहा है घी। ओरिजिनल मतलब बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है सर इसमें, ताकि मतलब जो कस्टमर मांगते हैं ना, जैसे बहुत सारे कस्टमर की यही डिमांड होती है, इसमें सिरका तो नहीं है, कौन सा ऑयल डाला है, यही चीज़ें होती हैं कस्टमर की। हम उनको मतलब अच्छी ब्रांड हर चीज़ अच्छा देना चाहते हैं इसलिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। अब आपको जैसे पता है कि मैं जयपुर के अंदर जितनी भी न्यू प्लेसेस है और बहुत ही डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव चीज़ें आप लोगों तक लेकर आया हूं, इसी के तहत मैं आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत मॉल लेकर आया हूं आज, जो कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे रन करता है। जी हाँ, मैं आया हूँ लाइव देसी मॉल में, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है शुद्ध और बिल्कुल लाइव बनते हुए। जी हाँ, जैसा कि ये नाम के अंदर आप देख रहे हो, लाइव यानी कि सारी चीज़ें आपको लाइव मिलेगी, देसी यानी कि शुद्ध एकदम खरा, और मॉल जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली है। सो आइए आज मैं आपको कंप्लीट टूर कराता हूँ लाइव देसी मॉल का। हम खड़े हैं शिव मार्ग ऑफिसर्स कैंप विस्तार पे, ये है सिरसी रोड। सो यहाँ पे अगर आप डालोगे गूगल लोकेशन तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस रोड से यहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे पड़ जाएगा देसी लाइव देसी मॉल शॉप विद ट्रस्ट। ये देखिए गाइस, सो ये है इनकी एंट्री, तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। सो यहाँ ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है क्योंकि, और मतलब ये अगर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये पहला ही कॉन्सेप्ट है जयपुर के अंदर, मैंने ऐसा मॉल नहीं देखा जिसमें आपको चीज़ें लाइव बनते हुए दिखाएंगे। सो अंदर काफ़ी सारे काउंटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एरियाज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि आपको लाइव काउंटर लाइव प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अगर आप मसाले पिसवाना चाहते हो तो मसाले, अगर तेल निकलवाना चाहते हो तो तेल, और अगर चटनियाँ बनवाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगी, वो भी लाइव आपके सामने बनती हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको शुद्ध मिलने वाली है और कितनी शानदार मिलने वाली है। सो अंदर आते ही आपको दिख जाएगा कि ये दो फूड काउंटर हैं, सो बेल पूड़ी वाला और यहाँ पे है लाइव देसी फूड, ये भी इन्हीं के हैं। सो चलिए गाइस चलते अंदर। मैं अंदर और यहाँ पे मैं एक बार आपको पूरा राउंड कटवा दूंगा, फिर उसके बाद आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो ये देखिए, सो अंदर जाते ही ये मॉल का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है विद अफोर्डेबल प्राइजेस। और ये देखिए गाइस, सो ये सारा सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सारे का सारा एरिया जो है यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड आइटम्स मिल जाएंगे, जितने भी इनके ऑफर्स हैं, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, लाइक कितना परसेंट डिस्काउंट किसी पे, कुछ 15-20%, 10%, और किसी के साथ बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है लाइक अदर ब्रांड्स जिनके काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स हैं। सो ये एक इनका एरिया है, ये देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इनकी, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारे मसाले वगैरह दाल हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये चावल यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखिए चावल वाला सेक्शन है पूरा। सो छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है, जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है डे टू डे पर्पज़ के यूज़ के लिए, वो सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए, ये एक और सेक्शन, ये पूरा सेक्शन आपको पूरा हाउस होल्ड आइटम्स है, किचन क्रॉकरी से रिलेटेड ये सब चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए,
ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। ये आपको सर्फ वगैरह साबुन हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये पल्सेस पैक पल्सेस मसाले वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। बिस्किट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अगर कुछ चटपट खाना है मैगी टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और ये देखिए सो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब जो इनकी बेस्ट चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स कवर देयर लाइव एरिया। और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे आपको सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी। सो अगर आप सब्जी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब्जियाँ भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं विद वेरी गुड क्वालिटी। ये देखिए गाइस, तो ये सारी सब्जियों का सेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे लंबी चौड़ी कतार है सारी सब्जियों की। हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। और ये रहे सारे फ्रूट सेक्शन, ये वहाँ से लेकर वहाँ तक सारे फ्रूट सेक्शन है। और यहाँ पे आपको फ्रोज़न आइटम मिल जाएंगे विद कुछ मीठा हो जाए। मैं आपको इनका अलग से सेक्शन दिखाने वाला हूँ, वो आपको जयपुर में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। और ये पूरे जयपुर में फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें लाइव काउंटर बने हुए गाइस, बहुत ही डिफरेंट है। सो आइए चलिए चलते हैं। ये है यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट आइटम जिसके लिए ये मॉल बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ जिसमें आपको पूरा राइट दिया हुआ है अपने हिसाब से चीज़ें बनवाने का, वो बहुत ही डिफरेंट है। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चक्की, यहाँ पे दिख जाएगी आपको कच्ची घनी। सो चक्की के अंदर आप आटे मसाले पिसवा सकते हैं, कच्ची घनी के अंदर आप सारे तेल निकलवा सकते हैं, और ये जितने भी पड़े हैं ये सारे लाइव निकले हुए हैं। सो मस्टर्ड ऑयल लूज, ग्राउंडनट ऑयल लूज, हर एक चीज़, और बहुत ही सस्ते दाम पे। तो ये है यहाँ पे डेरी जिसके अंदर आप देसी घी सामने निकाल सकते हैं। सो एक एक सेक्शन में आपको बताता जा रहा हूँ। और ये है होममेड। अगर मैं होममेड बात करूँ तो यहाँ पे आपको चटनियाँ लाइव और साथ ही साथ आपको अचार वगैरह हर एक चीज़ लाइव ले जाने का मौका मिल सकता है आपके सामने। आप चूज़ करिए, आप ले जाइए। यहाँ पे सारी की सारी दाल वगैरह पड़ी हुई है, जितनी भी अपनी दाल होती है मल्टीग्रेन्स होते हैं या यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अगर आप इनको पिसवाना चाहते हो ना तो आपके लिए यही लाइव ऑप्शन दे रखा है जो कि चक्की के अंदर है। सो यहाँ पे आप अपने हाथों से उठाइए, अपने हाथों से सेलेक्ट करिए क्या पिसवाना चाहते हो आप, और फिर आपके आंखों के सामने यहाँ पे पिसवाया जाएगा। सो ऐसा कोई भी नहीं करता यूजली जिसमें आपको आपके सामने ही दाल पल्सेस मतलब चटनियाँ बन रही है, आपके सामने अचार बन रहा है और साथ ही साथ देसी घी भी निकल रहा है। सो इट इज़ वेरी रेयर। सो ये बहुत ही डिफरेंट है। सो ये देखिए, सो ये है इनका पूरा चक्की वाला ऑप्शन जहाँ पे ये लाइव चीज़ें बनाते हैं और ये आपको लाइव चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आप मसाले सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आ जाइए और ये सारी चीज़ निकल जाएगी। सो ये देखिए, सो ये आटा अभी जस्ट लाइव निकाला गया है और ये निकाल के यहाँ पे मिर्ची है उनके सामने निकाल के रखी जाती है, उसमें से आप रेट के हिसाब से ले सकते हैं धनिया और ये हल्दी। सो ये ऑप्शन आप किसी के पास भी अवेलेबल है। अगर मैं चाहूँ कि इसमें से ना लूँ और मैं फ्रेश निकलवाना चाहूँ, आप सामने निकाल के दे सकते हैं आपको। सो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसमें आपको सामने ही आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है यहाँ पे, सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपकी मन मर्जी के हिसाब से आपका मसाला बिल्कुल आपके घर के लिए रेडी है। सो ये देखिए गाइस, ये इनका पूरा चक्की सेक्शन जिसमें आपको मसाले आटे वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी। चल रहे हैं इनके कच्ची घनी वाले सेक्शन के अंदर। सो कच्ची घनी के अंदर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सो ये दो टाइप के ऑयल्स होते हैं, मतलब एक होता है कोल्ड प्रेस, एक होता है कोल्ड वुड प्रेस। सो अगर आप कोल्ड वुड प्रेस देखोगे ना तो अगर लकड़ी के साथ लकड़ी के में कोई ऑयल पिसाया गया है सो उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे सेव रहते हैं, लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे अवेलेबल रहेंगे इसमें। कोई भी एक तो जो लोहे वाला होता है उसके अंदर गर्म हो जाता है तेल, इसमें आपका तेल गर्म नहीं होगा, सेम टेम्परेचर पे निकलने वाला है और आपके जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सेव रहेंगे। सो ये है इनका पूरा ऑयल वाला सेक्शन और यहाँ पे बन रहा है इनका ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल निकल रहा है अभी गाइस।
ये देखिए, तो यहाँ पे डाल रखी है राई और इसी से निकल रहा है और यहाँ पे एक एक बूंद करके आ रहा है मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल प्योर फॉर्म और आपके सामने है, आप जितना मर्जी चाहे ले जा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, सो ये देखिए गाइस, सो ये है इनका कोल्ड प्रेस, कोल्ड वुडन प्रेस मशीन, जिसमें डाल रखी है राई और यहाँ से निकल रहेगा मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड ऑयल निकल रहा है यहाँ से। और ये देखिए, ओह यहाँ पे पिस्ता जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है आपका ऑयल। ऑयल कौन कौन से बनते हैं उसमें? बनते हैं सरसों का, बनते हैं पीली सरसों, बनते हैं मूंगफली का, बनते हैं नारियल के, बनते हैं तिल्ली के, बनते हैं तिल्ली के बनते हैं। और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता? नहीं होता। और जैसे ये तेल पड़े हैं अलग अलग, तो इसमें मुझे बताइए कि कौन कौन सा तेल है ये? ये तो है काली सरसों, ये काली सरसों है, ये पीली सरसों, ये पीली सरसों, ये है वो मूंगफली का, ये मूंगफली का है, ये है नारियल, ये नारियल का, नारियल खोपरा, अच्छा खोपड़े का तेल है। हाँ जी, ये देखिए गाइस, सो ये सारे तेल आपके सामने यहाँ पे पिस जाएंगे और आप इंजॉय कर सकते हैं, घर पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल प्योर क्वालिटी वाला तेल। ये था गाइस हमारा कच्ची घड़ी वाला सेक्शन। अब आए हैं हम डेयरी के अंदर, और ये डेयरी के अंदर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दूध वगैरह आपको घी बिल्कुल लाइव बनने वाला है। ये देखिए, सो यहाँ पे घी पड़ा हुआ है और यहाँ पे घी लाइव बन रहा है। सो ये देखिए गाइस, सो यहाँ पे डाल रखा था पहले मक्खन, मक्खन को गर्म किया है और अब ये बन रहा है घी। सर मक्खन गर्म हो गया, फिर उसको पिघल रहा है वो, फिर धीरे-धीरे चीनी आंच पे करेंगे जब वो घी बन जाएगा सर। अच्छा, मुझे बताइए कि इस वाले सेक्शन में क्या क्या होता है? सर यहाँ छाछ है और घी है, फिर पनीर है, दही है, लस्सी है, बाकी और आइटम जो भी डेयरी के आइटम है ना वो सारे मिल जाएगी, मावा भी मिल जाएगा सर आपको। और वो सारा यहीं पे बनता है? सारा यहीं पे बनता है, तो जैसे फ्रेश आपके सामने ही बनेगा, बिल्कुल फ्रेश मेरे सामने। अब जैसे मैंने बोला कि एक किलो मुझे घी चाहिए, तो उस केस के अंदर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम? सर जो मक्खन होगा ना वो मक्खन निकाल के फिर हम गर्म करेंगे उसको, फिर उसका घी बन जाएगा जब हम आपको सेल कर देंगे। अच्छा, मक्खन भी हैंड टू हैंड निकालते हैं? मक्खन भी, और मक्खन भी सेल करते हैं हम। अच्छा, मक्खन भी सेल करते हैं। तो मक्खन का क्या रेट होता है? मक्खन का 550 किलो, मक्खन का 550 रुपए किलो, और घी का 750 है भैंस का, और गाय का 900 रुपए किलो है। जैसे आप गाय का लेना चाहो तो गाय का, और भैंस का हो तो भैंस का, भैंस का हो तो। और इस वाली मशीन से आपका मक्खन निकल जाता है और इसी में छाछ लस्सी वगैरह सब बन जाती है। सो ये देखिए गाइस, और यहाँ से बन जाएगा आपका घी, ये बन रहा है हमारा घी। वाह, सो ये था हमारा डेयरी वाला सेक्शन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें से हो सकता है अपन कुछ ले भी। और अब चलते हैं अपन इनका होममेड वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको चटनियाँ जो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये लहसुन की चटनी बन रही है शायद आगे, तो मैम ये कौन सी चटनी बन रही है? ये लहसुन वाली बन रही है सर। ये लहसुन वाली चटनी बन रही है सर। ये देखिए गाइस, ये लहसुन की चटनी बन रही है, वो भी लाइव आपके सामने, तो आपको पता रहेगा कि आपकी चीज़ किस तरीके से, किस क्वालिटी से बनी हुई है। सो हर किसी की यही डिमांड रहती है कि अगर घर के लिए कुछ भी लेकर जा रहे हैं तो वो साफ़ सुथरा और हाइजीन के साथ बना हुआ हो, और वो सारी रिक्वायरमेंट आपको ये फुलफ़िल करके दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, सो यहाँ पे होममेड, ये सारी चीज़ें होममेड हैं, ये आपको अचार यहाँ पे लाइव बना के दे देंगे और ये आपको चटनी बना के दे रहे हैं। ये देखिए, सो ये वाला जो चटनी है वो बनके इस तरीके से हो जाती है जी? इस तरीके से हो जाती है, पर ये कैरी वाली है, मतलब तीन चार प्रकार की चटनी बनती है हमारे यहाँ, तीन चार, एक तो धनिया की होती है, एक पुदीने की, एक लहसुन की, और एक कैरी की और धनिए की होती है सर। कैरी और धनिए की जी। सो क्या प्राइस होता है मैम? अब जैसे मेरे को ये बनवाना है आधा किलो, किस हिसाब से? 40 रुपीज की 100 ग्राम सर।
40 रुपए की 100 ग्राम बनती है और लाइव बना के दे देते हैं। ये ऑर्डर की चल रही है, अभी ऑर्डर है इसका, इसीलिए कस्टमर खड़े हैं सामने। अच्छा, ये ऑर्डर वाले सर हैं की है। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमारे यहाँ अचार वगैरह भी है सर, खुद के। अच्छा, अचार वगैरह जी, अचार है, ताकि उसमें कोई सिरका वगैरह कुछ नहीं है। ऑयल भी हमारे कच्ची घाणी जो आपने देखी होगी अभी उसी का है। मसाले भी चक्की से लिए हैं, ओरिजिनल, मतलब बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है सर इसमें। ताकि मतलब जो कस्टमर मांगते हैं ना, जैसे बहुत सारे कस्टमर की यही डिमांड होती है, इसमें सिरका तो नहीं है, कौन सा ऑयल डाला, यही चीज़ें होती हैं कस्टमर की। हम उनको मतलब अच्छी ब्रांड, हर चीज़ अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए लाइव जैसी वो लेकर आए हैं। ठीक है सर, ये देखिए गाइस, ये सारे अचार, और जैसा इन्होंने बोला ना, ये सारी चीज़ें यहीं के जितने भी टूल्स हैं यूज़ करते ही, उन्हीं से बनाई गई है, और यहाँ पे भी आपको लाइव मिल जाएगी। ये देखिए, हाँ जी, क्या ये अचार है यहाँ का? ये नींबू का अचार है। अच्छा, ये नींबू का अचार। अच्छा, यहीं पे डाला हुआ है अचार? जी, कुछ नहीं डाला। जी जी, ये देखिए, हाँ, नींबू। Okay. और आपको देसी स्टाइल जी सर। ठीक है, ओके। सो गाइस, अगर चटनियाँ भी बनवाना चाह रहे हो आप लाइव, तो यहाँ पे बन जाएगी। और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज? मैम, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है सर, वही चार्ज है। इसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जैसे कस्टमर आके ऐसे भी हाथ बोल रहा है, ऑर्डर करते हैं तो भी हम रेडी रखेंगे, अगर सामने आके बोल रहे हैं तो भी हम उनको, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस 10 मिनट का, और कुछ नहीं है सर। ठीक है, ठीक है सर। मदर खूब बनाती, अरे हम भी आज अटक गए। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बहुत यूनिक मिलने वाली है। सो जैसे कि आपको पुराने मसाले होते हैं ना, सुगंधा हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए जिसमें आपको पुराने शहर जाना पड़े और वहीं पे मिलेगी सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, ये चीज़ें आपको बड़े बड़े मॉल में नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ पे मिल रही है। सो क्यों ना इसका लुफ्त उठाया जाए, और क्यों ना इजीली परचेज की जाए। भैया, इसके टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं? टाइमिंग्स है 365 दिन ओपन रहता है स्टोर, सुबह 8 बजे ओपन होता है, रात के 11 बजे तक। और ये जो लाइव कॉन्सेप्ट आया है अपना, सो इसका पीछे पर्पज़ क्या है? मतलब पर्पज है, ये आजकल FMCG सबके पास है, सबके यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हमने नया कॉन्सेप्ट लाया कि कस्टमर को सामने ऑर्गेनिक चीज़ और प्योर चीज़ मिले। सो प्योरिटी देने के लिए? प्योरिटी देने के लिए। ठीक है, और रिस्पांस कैसा है पब्लिक का? अच्छा है, बहुत अच्छा है रिस्पांस। करीबन हमारे यहाँ 500 से 600 फुटबॉल पर डे का अच्छा रिस्पांस। और कितना टाइम हो गया इस मॉल को ओपन हुए? 4 मंथ हो गए। 4 महीने हो गए? 4 महीने हो गए। सो गाइस, इट्स बीन अराउंड 4 मंथ्स जितने में ये मॉल ओपन हुआ है, और रिस्पांस बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी पसंद भी आ रहा है लोगों को। सो अगर आप आ रहे हो वैशाली नगर की तरफ, सिरसी रोड की तरफ, सो यहाँ पे आप आ सकते हो और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हो, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने और आप इंजॉय कर सकते हो बिल्कुल शुद्ध घी, चक्की वाला आटा, मसाला, और यहाँ तक कि आप चटनियाँ वगैरह भी बनवा सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, बाय। गाइस, जाने का टाइम, अब हम जा रहे हैं। और ये है इनका लाइव यहाँ पे मेन काउंटर, तो यहाँ पे आप बिलिंग वगैरह करवा सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी त्यौहार वगैरह होता है तो ये अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे यहाँ तीज है तो यहाँ पे मेहंदी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और ये हमारा पूरा मॉल, ये देखिए, अब जो इनका बाहर जो स्ट्रीट फूड स्टॉल है लाइव देसी फूड, अब इसके अंदर में भी खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी वो लाइव बनेगी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्वालिटी के साथ देना चाहते हैं। देखिए गाइस, ये है इनका लाइव स्ट्रीट फूड काउंटर,
और यहाँ पे देखिए कितनी साफ सफाई से सारी चीज़ें रखी हुई है और ये सारी चीज़ें लाइव बन गई है। तो भैया यहाँ पे ये लाइव फूड काउंटर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाते हो आप? यहाँ पर हमारा चाइनीज आइटम और क्वांटिटी का हो गया, साउथ इंडियन हो गया, चाट हो गया और तंदूर का आइटम हो गया, जूस वगैरह हो गया। अच्छा, जो भी फास्ट फूड है मतलब। सो क्या डिफरेंस है दूसरे काउंटर और आपके काउंटर के अंदर? काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि हमारी जो भी चीज़ बनती है हैंड टू हैंड बनती है, मतलब हम लाइव बनाते हैं, बना के ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, ऑर्डर देते हैं कस्टमर उसी हिसाब से हम बनाते हैं। अच्छा, और साथ पोर्शन बाई पोर्शन थोड़ा ज़्यादा लगता होगा? ज़्यादा नहीं लगता, बस वही नॉर्मली जितना टाइम लगता है 5 या 7 मिनट। ठीक है, ओके जी। तो गाइस ये था इनका लाइव फूड काउंटर, यहाँ पे आप चीज़ें बनवा सकते हो विद गुड क्वालिटी और गुड रीजनेबल प्राइजेस। सो आइए अब चलते हैं, अब अपना टाइम हो गया।